हाय गाइस, तो मैं हूँ शोएब आलम और आप देख रहे हैं ट्रैवल गाइड मास्टर। इस समय मैं आ चुका हूँ अटल टनल। अटल टनल जो है मनाली से 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ये जो टनल है अभी ही बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो एक अलग ही तरीके का है। सामने आप देख सकते हैं नदी भी बह रही है, जो आइस है ऊपर माउंटेंस पे वो पिघल रही है और नीचे आ रही है। तो मनाली से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 28 किलोमीटर और अभी तो मैं आया हूँ दिसंबर 31 में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए मुझे 2 घंटे लग गए, ट्रैफिक ज़्यादा था, लेकिन 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच का टाइम मेरे को यहाँ पे लगा आने के लिए। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो आप जल्दी भी आ सकते हैं, 1 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस समय सीजन में आ रहे हैं तो आपको जल्दी यहाँ पर आना पड़ेगा। गाड़ियों की लिमिटेड एंट्री होती है, केवल कुछ ही गाड़ी यहाँ पर अलाउड की जाती है क्योंकि पार्किंग बहुत छोटी है। और जो टाइमिंग है यहाँ पर आने की वो 3:30 बजे तक की है। 3:30 बजे के बाद में कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं होती है और जो गाड़ी यहाँ पर रहती हैं, जो भी क्राउड होता है उसको बस निकाला जाता है। तो 3:30 बजे तक का टाइम यहाँ पर आने का है और 28 किलोमीटर है मनाली से, और इससे पहले सुलांग पड़ता है। सुलांग वैली के बाद आपको ये अटल टनल मिलेगा। पीछे ये देखिए रिवर्स भी है और काफ़ी अच्छा व्यू है। लोग छोटी छोटी दुकानें भी हैं, आप खा पी भी सकते हैं और ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं है, तो इसलिए जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करें। इसी के जस्ट नीचे सोलांग वैली भी है और अभी स्नोफॉल कम है तो इसलिए वहाँ पे स्नो नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ अटल टनल आया। और इसी के जस्ट आगे रोहतांग पास भी है, तो रोहतांग अभी बंद किया गया है क्योंकि विंटर है और उसको मई जून में ओपन किया जाएगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो रिवर है वो किस तरीके का यहाँ का व्यू है। व्यू बहुत अच्छा है, आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू है और स्नो पानी में बन के भरी है, देख सकते हैं। अमेजिंग व्यू, मैं इसको कहूँगा एक तरीके से बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और टेम्परेचर -2 है और जो टनल पे जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री था, लेकिन जब यहाँ पर मैं आया हूँ तो -1 हुआ, उसके बाद में -2 हो गया। तो मैं आ चुका हूँ रिवर पर और इस समय आप देख सकते हो पानी कितना क्लियर है और आइस भी जमी हुई है। टेम्परेचर -2 डिग्री है और जैसे जैसे यहाँ पर अभी सूरज ढलता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। पानी देख रहे हैं इस समय पूरा आइस ही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है और मेरे तो हाथ अभी से ही सुन्न हो चुके हैं। और जो टेम्परेचर है -2 डिग्री है और जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे अभी टेम्परेचर ढलता चला जाएगा और बहुत ठंडा है, लेकिन क्या अमेजिंग नज़ारा है, क्या व्यू है रियली। We'll be right back.
याद आया अटल टनल। तो गाइस ये अटल टनल अटल बिहारी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसका टनल का नाम पहले रोहतांग टनल था, लेकिन 25 दिसंबर 2019 को इस टनल का नाम अटल बिहारी जी की याद में बदलकर अटल टनल कर दिया। अक्टूबर 2020 में इसको चालू किया गया। अटल टनल हमारे देश का लॉन्गेस्ट टनल है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 10,000 फीट या इससे ज़्यादा है। यह वर्तमान में इतनी ऊंचाई पर बनने वाला दुनिया का सबसे लंबा टनल है। यह बाई डायरेक्शनल टनल है जिसकी एक लेन गाड़ियों के आने व दूसरी लेन गाड़ियों के जाने के लिए है। इस टनल के अंदर गाड़ियों की स्पीड 40 से 80 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। यह एक रोड टनल है। इसको लेह मनाली हाईवे पर बनाया गया है अंडर द रोहतांग पास। यह टनल हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित। अगर बात करें इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो इस टनल के अंदर आपको सीसीटीवी कैमरास और टेलीफोन लाइन है जिसमें आप एमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। स्पीड्स के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, बोर्ड्स दिखेंगे क्या स्पीड आपकी है, क्या आपको लगती है। तो गाइस इसे क्रॉस करने में मुझे लगेगा 10 मिनट का टाइम, और जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद आपको देखने को मिलता है एक अद्भुत नज़ारा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या है वह नज़ारा। तो गाइस अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये आ गई है सामने रिवर जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसकी है, और नीचे अभी बस हमें रिवर पे उतरना है और सारी एक्टिविटीज़ देखनी है करनी है। सामने बोर्ड लगा है जिसमें लेह लद्दाख है आपका 396 किलोमीटर एंड रोहतांग पास है 27 किलोमीटर। तो यहाँ पार्किंग बहुत छोटी है और देखना पड़ेगा कि गाड़ी लग पाएगी या नहीं, क्योंकि लिमिटेड एंट्री है गाड़ियों की। और रोड पर पानी भी है काफ़ी, ये देखिए आप स्नो पिघल रही है और रोड पे पानी है। टनल में जो मेरा तापमान था गाड़ी में शो कर रहा था 0 degrees था, लेकिन यहाँ पर 1 हो गया है। और जिस तरीके से सूरज अभी ढलता रहेगा उस तरीके से तापमान भी घटता रहेगा। ये देखिए कितना पानी है यहाँ पर, सारी इसमें पिघल रही है और इससे जो टायर है वो स्लिप हो रहा है। चलता हूँ नीचे, देखते हैं गाड़ी की पार्किंग। और ये टेम्परेचर हमारा हो गया है -2, बहुत ठंड है भाई। ज्यादा बर्फ है, ओह माय गॉड, वहां जा नहीं पाऊंगा ऊपर, ज्यादा बर्फ। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। My intentions are